पहला प्रश्न है कि गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों गति के नियमों का प्रतिपादन जो है वो न्यूटन ने किया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन। दोस्तों गति के नियमों का प्रतिपादन जो है वो सर आइजैक न्यूटन ने वर्ष 1687 में किया था। कब किया था? तो वर्ष 1687 में किया था। और दोस्तों गति के नियमों का प्रतिपादन जो है न्यूटन ने वो अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया था। ठीक है, पुस्तक का क्या नाम था? तो पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। किस वर्ष किया गया था? तो 1687 में किया था। किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक जो हैं ये भी न्यूटन ही है। ठीक है, गति का भी नियम न्यूटन ने ही दिया था और गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी न्यूटन ने ही बताया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन। दोस्तों गति के नियम के बारे में भी न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में ही बताया था और गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में ही बताया था। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है। तो दोस्तों रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर होता है? न्यूटन के प्रथम नियम या फिर न्यूटन के द्वितीय नियम या फिर न्यूटन के तृतीय नियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। रेखीय संवेग संरक्षण निकल कर आता है न्यूटन के द्वितीय तथा तृतीय नियम के योग से। ठीक है दोस्तों, न्यूटन का द्वितीय और तृतीय नियम इन दोनों नियम के योग से जो है वो रेखीय संवेग संरक्षण निकल करके आता है। और रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत भी संवेग संरक्षण पर आधारित है। दोस्तों एग्जाम में आ सकता है प्रश्न कि रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो आप कह सकते हैं कि रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत जो है वो संवेग संरक्षण पर आधारित है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन की गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम या फिर गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम। ठीक है दोस्तों, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूटन की गति का प्रथम नियम। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? तो दोस्तों जब भी किसी गतिशील बस में अचानक से ब्रेक लगाया जाता है तो सवारी जो बस के अंदर बैठा होता है वो आगे की तरफ झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है, अतः अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री के शरीर का वह भाग जो गाड़ी के संपर्क में होता है विरामावस्था को प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसका ऊपरी भाग अपनी गति को बनाए रखना चाहता है। इसीलिए बस के रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जो है न्यूटन के प्रथम नियम का जो है वो पालन होता है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो स्थिर वेग से ऊपर की ओर चलता है, स्थिर वेग से नीचे की ओर चलता है, ऊपर की ओर त्वरित होने वाला या फिर नीचे की ओर त्वरित होने वाला। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऊपर की ओर त्वरित होने वाले वेग में व्यक्ति का भार जो होगा उस लिफ्ट में अधिक होगा जो लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा वो भी त्वरित होते हुए। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन के साथ जो लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा उसमें व्यक्ति का वजन सबसे अधिक होता है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है?
तो दोस्तों पिंड के इस गुणधर्म को जड़त्व कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों न्यूटन का जो प्रथम नियम था, इसके बारे में हमने प्रश्न अभी एक दो प्रश्न पहले ही इसका एक एग्जांपल लिया था, हमने इसका एक प्रश्न देखा था। तो जड़त्व का जो नियम है वो न्यूटन प्रथम नियम में बताया गया है, ठीक है। और जड़त्व का नियम क्या होता है, तो जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अभी दोस्तों हमने पढ़ा था ना वो बस वाले प्रश्न में, सेम चीज यहाँ पर ही भी है। जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहता है, यदि गतिमान है तो वो गतिमान ही रहना चाहता है। और दोस्तों वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए उतना ही अधिक बल लगाना पड़ता है। इसके बाद अब अगला प्रश्न है कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का सिर्फ मान नियत रहे, वेग का सिर्फ दिशा नियत रहे, वेग का मान और दिशा दोनों नियत रहे, वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी पिंड का वेग समरूप तब कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों जो है वो नियत रहे, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है वक्र होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि SHM होता क्या है। SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन से गुजरने वाले कण के लिए वेग के विस्थापन के मुकाबले आलेख एक दीर्घ वृत्त होगा। कैसा होगा, एक दीर्घ वृत्त होगा, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक दीर्घ वृत्त होगा। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की गति समान होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। तो दोस्तों शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का समान त्वरण होता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समान त्वरण होता है। दोस्तों शून्य में जब भी कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे की तरफ गिरती है तो उसका जो त्वरण होता है वो समान होता है। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ। दोस्तों यदि आप करेंट अफेयर्स का वीडियो प्रतिदिन अपने व्हाट्सएप पर पाना चाहते हैं तो ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर 9599096041। इस नंबर पे आपको HCA लिख करके व्हाट्सएप करना है और फिर क्या होगा, आपको प्रतिदिन करेंट अफेयर्स का वीडियो जो है वो व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि यह सर्विस बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपसे कुछ भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। बस आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9599096041 पर HCA लिख करके व्हाट्सएप करना है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का तल कभी कभी पृथ्वी के केंद्र से जाता है, पृथ्वी के केंद्र से नहीं जाता है, पृथ्वी के केंद्र से जाता है पृथ्वी पर गिर जाएगा। तो दोस्तों पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा, ठीक है, यदि दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का जो तल होगा वो पृथ्वी के केंद्र से जाएगा, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी के केंद्र से जाता है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि स्प्रिंग का काठिन्य है। तो दोस्तों स्प्रिंग का काठिन्य स्प्रिंग की भारवाही का धारिता है और इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्प्रिंग का भारवाही का धारिता। इसके साथ ही दोस्तों स्प्रिंग का काठिन्य जितना ही अधिक होता है उसकी भारवाही का क्षमता उतनी ही अधिक होती है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि तापमान का एशय मात्रक है। तो दोस्तों तापमान का जो एशय मात्रक है वो केल्विन होता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केल्विन। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि एक माइक्रोन बराबर होता है। तो दोस्तों एक माइक्रोन जो होता है वो 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है एक माइक्रोन, तो एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर
वापस लौटाने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं। तो दोस्तों स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं प्रत्यानयन बल। ठीक है, क्या हो जाएगा सही जवाब? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्यानयन बल। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि एक पानी से भरा ग्लास के नीचे से कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है। क्यों गति उत्पन्न नहीं होती है? तो ये गति उत्पन्न नहीं होती है जड़त्व के कारण। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जड़त्व के कारण। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, दोलन रुक जाएगा। तो दोस्तों यदि कोई लड़की जो है वो झूले पर बैठ के झूल रही है और यदि लड़की जो है वो एकाएक खड़ी हो जाती है तो दोलन का जो काल यानी झूले का जो आगे पीछे होने का जो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा? तो वो कम हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि रॉकेट डैश के सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों रॉकेट जो होता है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संवेग संरक्षण। दोस्तों रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट से गैसें अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती है तथा रॉकेट को आगे की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक संवेग प्रदान करती है और इस प्रकार रॉकेट आगे की तरफ बढ़ जाता है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि गतिमान वस्तु में होती है। तो दोस्तों गतिमान वस्तु में क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा। तो दोस्तों गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया दो भिन्न विषयों पर कार्य करते हैं, समान परिणाम। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा टाइप करने में गलती हो गया है, यहाँ पे परिणाम लिखा हुआ होना चाहिए था। समान परिणाम रखते हैं, विरुद्ध दिशाएं रखते हैं, सभी सही हैं। तो दोस्तों क्रिया एवं प्रतिक्रिया जो होती है ना उसकी दिशा विपरीत होता है। ठीक है, क्रिया का दिशा कुछ और होगा, प्रतिक्रिया का दिशा जो होगा उसका उल्टा होगा, यानी कि सीबा लाइक सही है। उसके बाद दोस्तों इनका जो परिणाम होता है वो समान होता है, क्रिया और प्रतिक्रिया का जो परिणाम होता है ना वो समान होता है, हमेशा क्या होता है समान होता है, मतलब ये वाला भी सही है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ दोस्तों क्रिया और प्रतिक्रिया जो होता है वो दो भिन्न विषयों पर काम करते हैं। काम तो क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पे करते हैं लेकिन इनका विषय अलग अलग होता है, दोनों भिन्न विषयों पर काम करते हैं, यानी कि ये वाला भी सही है। कहने का मतलब है कि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कि ऊपर के जो तीनों जो तथ्य दिए गए हैं वो तीनों तथ्य सही हैं। ठीक है दोस्तों, क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर क्रिया करते हैं तो परिणामी बल शून्य होगा। ठीक है, अतः सभी विकल्प सही हैं। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा होगी कि कैसी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, गतिज एवं स्थिति दोनों ऊर्जा होगी या फिर शून्य होगा। तो दोस्तों कोई व्यक्ति यदि चलती गाड़ी में बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही होता है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा। इसलिए दोस्तों बैठा हुआ क्यों होता है? क्योंकि देखो दोस्तों जो बैठा हुआ व्यक्ति रहता है, ठीक है, चलती हुई गाड़ी में, तो सीट के साथ विरामावस्था में रहता है। ठीक है, इसलिए उसके अंदर स्थिति ऊर्जा होती है तथा उस व्यक्ति का शरीर का ऊपर का हिस्सा जो होता है वो सीट के साथ छेप गति में रहने से गतिज ऊर्जा का अनुभव करता है। ठीक है, इसलिए उसमें गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों होती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गतिज एवं स्थिति दोनों। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि जब किसी गतिमान पिंड की गति दुगनी हो तब लगने वाला समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे। दोस्तों यदि किसी गतिमान वस्तु की गति को दुगना कर दिया जाता है तो सिंपल सी बात है उस पर लगने वाला समय जो होगा वो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी,
वो आधा हो जाएगा। और उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि का परिभाषा मिलती है। तो दोस्तों न्यूटन के गति के प्रथम नियम यह बताता है कि कोई भी वस्तु तब तक निश्चित स्थिति में गति या फिर एक रूपी गति में रहेगी जब तक कोई भी बाहरी बल उस पर कार्य नहीं करता। न्यूटन के इस नियम से बल की परिभाषा मिलती है। किसकी परिभाषा मिलती है? तो बल की परिभाषा मिलती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बल। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। तो दोस्तों जड़त्व सदैव द्रव्यमान के सीधे समानुपाती होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता जो है वो द्रव्यमान पर होती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, द्रव्यमान। दोस्तों जड़त्व के अंतर्गत कोई वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में रहती है जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर ना लगे। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। ऑप्शन है पहल, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। न्यूटन की गति का पहला नियम जो है वो जड़त्व की व्याख्या करता है, जड़त्व के बारे में बताता है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? विभव मापी कहते हैं, अमीटर कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं या फिर गैल्वेनोमीटर कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वोल्ट मीटर कहते हैं। दोस्तों वोल्ट मापी द्वारा विभवांतर नापा जाता है। इसके द्वारा किसी स्थिर प्रतिरोध में प्रवाहित धारा के द्वारा विभवांतर का पता लगाया जाता है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। तो दोस्तों तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है, इसलिए तरंग दैर्ध्य जो है वो एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तरंग दैर्ध्य। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। तो दोस्तों टैकोमीटर से क्या मापा जाता है? तो टैकोमीटर से चाल मापा जाता है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चाल। दोस्तों टैकोमीटर एक उपकरण होता है जिससे हम किसी वाहन की चाल अथवा उसका जो रेट ऑफ शाफ्ट रोटेशन होता है उसको मापते हैं, ठीक है। इसे आरपीएम भी कहा जाता है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि एनीमोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों एनीमोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। किसका वेग? तो पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एनीमोमीटर का उपयोग पवन का वेग मापने के लिए होता है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि आवेग माप है। दोस्तों आवेग किसका माप है? तो आवेग जो होता है वो भार का माप होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भार।